हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खेम कुमार। तो हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, i20 पेट्रोल CNG लगी हुई है। CNG की अलग से कोई सर्विस नहीं होती है। और हम इसकी सर्विस में क्या क्या चीज़ चेंज करने वाले हैं और क्या क्या लास्ट टाइम पे हुआ था, अब क्या चेंज होगा वो मैं दिखाता हूँ। अभी इसका हम सर्विस का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑयल ड्रेन करेंगे। अभी इसका हम बाकी उधर की तरफ और गाड़ियों में काम चल रहा है। हमने इसका पुराना वाला ऑयल ड्रेन कर दिया है जो कि पीछे की तरफ है, और हमने इसके अंदर वाइपर वॉश डाला है। V-Shape कंपनी का काफ़ी अच्छा वाइपर क्लीनर है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। और एयर फिल्टर हम इसका चेंज कर रहे हैं, दिखा दो भाई ये वाला नया एयर फिल्टर। जब भी आपको कहीं जैनवंटी चीज़ का पता करना हो तो यहाँ पे सेम आपको घर की तरफ से ये Honda यहाँ पे लिखा हो, Honda प्लस की है। यहाँ पे पार्ट नंबर पूरा मेंशन होता है, सारी चीज़ें कंपनी की जो भी चीज़ें होंगी। मैन्युफैक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा आपको नए और पुराने के अंदर। और ये हमारा पुराने वाला है जो पहले लगा हुआ था, काफ़ी डस्टली हो रहा है। वो डस्ट दिखा देता हूँ क्या हालत है, इतनी ज़्यादा डस्ट, ये सारी इंजन के अंदर ही जाती है। सो पलक हमने इसके खोल लिए हैं, पलक खोल लिए हुई, पलक की कंडीशन दिखाओ क्या है। थोड़े गर्म हो रखे हैं पलक, पलक की कंडीशन देख सकते हो आप। CNG के अंदर क्या है, ये प्लग शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। भाई इसका भी एयर फिल्टर है वो लगा रहे हैं, लोकेशन यहाँ पे होती है हमारी बैटरी बॉक्स के पास एयर फिल्टर लगाने की। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं भाई, इन लोग को प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं बैठाओगे तब तक लोग नहीं होते। और इधर की तरफ क्लिप्स होती हैं तो प्रॉपरली टाइट किया जाता है। पलक खोल लो फटाफट से, पलक दिखा दो, पलक स्पार्क पलक ये रखे इसके अंदर है, ये देख लो भाई चारों स्पार्क पलक है। और रेट क्या है इनके, 304 रुपये यूनिट फोर। चैम्पियन के इनके अंदर पलग है, दो कंपनियां पलग बना रही है, NG के और चैम्पियन। इसके अलावा बॉस भी है जिनके मार्केट में डिमांड कम रहती है। और जो पहले लगे हुए थे गाड़ी के अंदर वो भी चैम्पियन के ही लगे हुए हैं, अभी इनको लगाया जाएगा। पलग लगाते टाइम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम पलग लगाते हैं तो इनको किस इस तरीके से, अगर पाइप में हम फंसा लेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला जो गैप है ना, अगर ऊपर से छोड़ेंगे डायरेक्ट तो इसका जो गैप है वो बंद हो जाता है ऊपर से छोड़ने के बाद। बीच का जो गैप दिख रहा है, अगर हम इसको अगर इस तरीके से लगाएंगे तो प्लग पूरा वहाँ तक जाएगा अपने पॉइंट तक, फिर उसके बाद इसको प्रॉपरली टाइट किया जाएगा। चार स्पार्क प्लग लगेंगे इसके अंदर, फोर सिलेंडर इंजन है गाड़ी का। इसको प्रॉपरली टाइट किया जाएगा स्पार्क प्लग को, अगर लूज रहेंगे तो मिसिंग करेगी गाड़ी। यहाँ पे इग्निशन कॉइल लगी हुई है, ऊपर से प्रोटेक्ट रहता है ताकि इसके अंदर जब वॉश कराएं तो पानी वगैरह ना जाए, इसको प्रॉपरली टाइट किया जाएगा। एसी फिल्टर हमने निकाला है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट लिया है, पर इस एसी फिल्टर का एक फ़ायदा है कि इसको हम, इसको वॉशेबल है, इसको हम वॉश कर सकते हैं, ये वाली डस्ट पूरी क्लीन हो जाएगी। वॉश करेंगे फिर इसको ऊपर एयर प्रेशर मार के इसको पूरा क्लीन कर देंगे, वॉश कर लो फटाफट। फिल्टर हमने प्रॉपरली तरीके से वॉश करके
एयर मार के क्लीन कर दिया है भाई। देख सकते हो कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया है कि पहले क्या कंडीशन थी और वॉशेबल होने के बाद, वॉश करने के बाद क्या कंडीशन। तो भाई इसका जो काम होता है ना, मेनली डस्ट को है ना कूलिंग कॉइल तक नहीं जाने देता, और कूलिंग कॉइल चोक होगी, एयर फ्लो, एयर का जो फ्लो है वो अच्छा नहीं होगा, एसी कूलिंग कम करेगा। इसके अलावा आपके काफ़ी सारी जो डस्ट वगैरह होता है सबको ऑब्जर्व कर लेता है ये एसी फिल्टर, ये इसका मेनली काम है। हम इसको अभी फिट करा देंगे और लोकेशन दिखाऊंगा मैं कहाँ पे लगता है एसी फिल्टर, ताकि आप इजीली इसको अपने घर पे भी क्लीन कर सको। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं मैकेनिक के पास जाओ तभी आप क्लीन कराओ, इसको आप अपने घर पे भी इजीली क्लीन कर सकते हो भाई। बहुत छोटी सी सिंपल सी लोकेशन है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो अप का निशान है ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे ग्लो बॉक्स होता है उसको खोलना होता है, और खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक छोटा सा फ्रेम टाइप में यहाँ पे दिखेगा आपको, और इसके अंदर इसको ईजिली फिट कर दो आप। ये फिट हो गया, फिट होने के बाद इसके ऊपर एक डस्ट लिखा हुआ होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको यहाँ पे लॉक टाइप का एक सिस्टम होता है, यहाँ पे लगाया और इसको उस इस तरीके से लॉक कर दिया। अब ये लॉक हो चुका है, अब इसके बाद हम इसको लगा देंगे, हम इसको लगा देते हैं अभी। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको क्लीन करने का, देख सकते हो आप ये लग गए हैं भाई। घर पे भी अपने क्लीन कर लिया करो, ज़रूरी नहीं है आप मैकेनिक के पास जाओ, हमारे पास आओ, घर पे भी क्लीन कर लो सबसे बेस्ट है। एसी एकदम चिल्ड मारेगा, छोटा सा काम बहुत बड़ा फ़ायदा कर देगा। अब आगे दिखाता हूँ कहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है काम की। भाई ऑयल फिल्टर लगा रहे हो, दिखाओ फटाफट से भाई। हुंडई का जैन वन ऑयल फिल्टर, ये देख सकते हो। और इसको लगाने से पहले ना एक चीज़ का जरूर ध्यान रखो, इसके ऊपर ऑयल लगा लो ताकि रबड़ रिंग लीकेज होने के चांस ना हो। कहाँ पे लगेगा ये वो दिखाता हूँ आपको अभी। यहाँ पे चैम्बर का बोल्ट लगेगा, और थोड़ा मैं थोड़ा मिक्सिंग तरफ जा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे लोकेशन है इसकी, ये लगा दिया। ओवर इसको ज़्यादा ओवर टाइट कर दिया जाता है तब भी लीकेज होने के चांस होते हैं। इसके अंदर इंजन ऑयल फिल कर रहे हैं, 3.5 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल आएगा, 5W30 की ये ग्रेड है, नॉर्मल इंजन ऑयल। ब्रेक पैड इसकी चेंज की जा रही है, ब्रेक पैड आप देख सकते हो पुरानी वाली क्या हालत है और नई वाली में क्या डिफरेंस है। इसका बिल्कुल लेदर ख़त्म हो चुका है, और इस वाली का आप देख सकते हो, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे। लगा दो वही फटाफट से, कौन सी कंपनी के ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी होंडई की जैन वन, ये यहाँ पे होंडई और किया का लोगो मिलेगा यहाँ पे आपको कुछ इस तरफ से, और कितने प्राइस है इसके वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पार्ट नंबर और इसके प्राइस आप चेकआउट कर सकते हो, ये इतने का प्राइस है। फाइनली i20 पेट्रोल जो हमारे पास आई हुई थी इसकी कंप्लीट हो चुकी है सर्विस। सर्विस में हमने क्या क्या चेंज किया है मैंने एक एक पार्ट आपको दिखाया है, क्या क्या जेन्युइन पार्ट है या नहीं है। मैं इसमें हमने इंजन ऑयल चेंज किया है 3.5 लीटर मारुति का MZO सेल का, और उसके अलावा ऑयल फिल्टर होंडई का, एयर फिल्टर स्पार्क प्लग, गेयर ऑयल सही था, कूलेंट सही है, बल्कि बैटरी वाटर सब कुछ ओके है, वाइपर वाश डाला है हमने। इसकी ब्रेक पैड चेंज की थी, कैलिपर जाम था जो कि हमने फ्री करके लगाया, अगर कैलिपर एज इट इज रहेगा, अगर फ्री नहीं करेंगे तो ब्रेक पैड जैसे राइट में पहले जल्दी ख़त्म हुई है तो वैसे ही दोबारा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी गाड़ी किसी अच्छे मैकेनिक के पास काम हो,
टोटली काम किया जाए कम कॉस्ट के अंदर जेनुइन पार्ट के साथ जेनुइन टी के साथ, तो ज़रूर हमारी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो आप, ओम मोटर धारवेड़ा। मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो ज़रूर विजिट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।